नमस्कार, मैं चंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। संविधान सभा ने आज के दिन अंगीकार किया था राष्ट्रीय ध्वज। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया था। इसके बाद 1951 में पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए कुछ नियम तय किए थे। 1968 में तिरंगे के निर्माण के मानक तय किए गए थे। देश के पहले राष्ट्रीय ध्वज को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था। इस झंडे में लाल, पीले और हरे रंग तीनों के क्षैतिज पट्टियां थी। मैडम कामा ने देश से बाहर 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में झंडा फहराया था। यह पहले झंडे जैसा ही था, लेकिन ऊपर की पट्टी में एक कमल का फूल और सप्तऋषि के प्रतीक के रूप में 7 तारे थे। आज के दिन लागू की गई थी समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की योजना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 22 जुलाई 1999 को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना लागू की थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियां बनाने और सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने के लिए 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में ILO की स्थापना हुई थी। वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बना। जॉर्ज वॉशिंगटन ने आज के दिन संभाली थी अमेरिकी सेना की कमान। 22 जुलाई 1775 को जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकी सेना की कमान संभाली थी। बाद में वह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकी सेना का नेतृत्व करते हुए ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकी क्रांति में विजय हासिल की थी। उन्हें 1789 में अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। जॉर्ज वॉशिंगटन को फादर ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वॉशिंगटन ने कैबिनेट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पहला राष्ट्रीय बैंक बनाने जैसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए। 1799 में संक्रमण के चलते उनका निधन हो गया। आज के दिन शहीद हुए थे देश के पहले कुशल पायलट इंद्रलाल रॉय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन में जर्मनी से हुई लड़ाई में भारत के पहले कुशल पायलट इंद्रलाल रॉय 22 जुलाई 1918 को शहीद हो गए थे। इंद्रलाल रॉय रॉयल एयरफोर्स के लिए लड़ने वाले एकमात्र भारतीय फ्लाइंग एस हैं। फ्लाइंग एस उन पायलट्स को कहा जाता है जो हवाई फाइट्स में कई हवाई जहाज मार गिराते थे। रॉय ने 13 दिन में 10 एयरक्राफ्ट मार गिराए थे, जिनमें से 3 तो 4 घंटे की फ्लाइंग में ही गिरा दिए थे। 18 जुलाई 1918 को रॉय को 10वीं जीत के बाद फ्लाइंग एस की उपाधि मिली और इसके 4 दिन बाद दुश्मन के कई जहाजों ने डॉग फाइट में घेर लिया और वह शहीद हो गए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 22 जुलाई दिन शुक्रवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है सुख ऐश्वर्या। मेष, आपके सुख ऐश्वर्या के लिए भाग्य 34%, कारोबार में वृद्धि होगी। यात्रा के योग हैं, आपको शत्रुओं के आतंक से छुटकारा मिलेगा। कार्यभार अधिक रहेगा, मन शांत रहेगा। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग है। शुभ रंग सफेद नीला तथा निषेध रंग लाल सिंदूरी। वृष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 79%, मनवांछित स्थान पर ट्रांसफर के योग है। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण करें, आपको पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग है। कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम से समस्याओं को नियंत्रण कर लेने के योग है। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग गुलाबी बसंती। मिथुन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 71%, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आपके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतुलित भोजन करें। आपकी पदोन्नति होने की संभावना है, कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग है। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला लाल। कर्क, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 77%, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आमदनी बढ़ने के साथ साथ रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। छात्रों को सफलता मिलने के प्रबल योग है। आपके खर्च बढ़े हुए रहेंगे, अधिक व्यय के कारण मन खिन्न रहने के योग है। शुभ रंग हर प्रकार के सफेद तथा निषेध रंग काला स्लेटी।
सिंह, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 48% उपलब्धि एवं अवसरों की प्राप्ति के योग है। कार्यों में अनावश्यक अवरोध हो सकता है, परंतु यह सब अस्थायी है। विदेश के लिए इन दिनों में उत्तम योग है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न होने के योग है। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग लाल। कन्या, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 78% कार्य क्षमता के अनुरूप ही सफलता प्राप्त होगी। माता पिता की ओर से चिंता हो सकती है। करियर या कारोबार या फिर नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हुए कार्य क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखनी होगी। भाग्य में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला लाल। तुला, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 88% समय शुभ है, लाभ प्राप्त होगा। नए लोगों के साथ व्यवसाय के अवसर बनेंगे। परिवार में आंतरिक कलह खत्म हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग पीला लाल। वृश्चिक, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 45%, स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से कुछ परेशानी हो सकती है। ध्यान रखें, भाग्य आपके साथ है, समय अनुकूल चल रहा है, निवेश शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 49%, व्यवसायियों को अच्छे एवं बड़े ग्राहक मिल सकते हैं। पूर्व में जो उधार दिया गया था उसकी प्राप्ति संभव है। योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य की ओर बढ़े। बचत पर ज्यादा ध्यान रहने वाला है। जीवन साथी से तनाव उत्पन्न होने के योग है। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग मस्टर्ड काला। मकर, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 80%, परिजनों के साथ मतभेद हो सकता है। भाग्य आपके साथ है, उसका लाभ उठाएं। आप कुशलता व होशियारी से असंभव कार्य को पूरा करेंगे। उद्यमशीलता एवं पहल करने की क्षमता बढ़ेगी। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल पीला। कुंभ, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 81%, कार्य की अधिकता रहेगी, परंतु गर्व का भी अनुभव होगा। समय अनुकूल है, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संबंधों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद से संबंधित मामले भी सुलझने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल पीला। मीन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 46%, कारोबार में अनुकूलता बनी हुई है। आकस्मिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। आपके कुछ काम दोस्तों और भाइयों की मदद से पूरे हो जाएंगे। आप स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़े पदोन्नति के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग पीला। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय, प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।